नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के आदेश के अनुसार कैना सिटी में सिटी थाना प्रभारी मूलचंद तंवर ने चलाया सर्च अभियान। बिना नंबर प्लेट एवं बिना हेलमेट की ड्राइविंग करते पाए जाने पर दुपहिया वाहन चालकों के किए गए चालान। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, मैं संजय कौशिक। आज कैना सिटी में जिला पुलिस कप्तान विक्रांत भूषण के आदेश के अनुसार सिटी थाना इंचार्ज मूलचंद तंवर के द्वारा कैना सिटी में विशेष सर्च अभियान चलाया गया। और इस सर्च अभियान के दौरान पुलिस के द्वारा जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जाँच की गयी एवं इसी के साथ साथ वाहनों के कागजातों की भी जाँच की गयी। इस मौके पर यातायात के नियमों में कोताही बरते हुए पाए जाने पर जहां मौके पर काफी संख्या में वाहनों के चालान किए गए, वहीं कुछ वाहन इम्पाउंड भी किए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए कैना सिटी थाना प्रभारी मूलचंद तंवर ने बताया कि जिला पुलिस कप्तान के सभी थानों को स्पष्ट निर्देश है कि समय समय पर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाए एवं यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि दिन प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इस मौके पर श्री मूलचंद तंवर ने यह भी कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना एवं दिन प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। सभी प्रकार की खबरों एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल हरियाणा अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत सर, आज ये चालान काट रहे हो कैसे, क्या? ये अपने उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार चालान किए गए हैं। अधिकतर चालान टू व्हीलर के हैं जिसमें हेलमेट के किए गए हैं। जो पब्लिक को आगाही किया गया उनको बताया गया कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट ओढ़ें। कोई नंबर प्लेट के चलान? नंबर प्लेट के भी किए हैं, जैसे जैसे जो भी आता है नंबर प्लेट के भी किए हैं। इम्पाउंड भी? दो तीन चार व्हीकल इम्पाउंड भी किए हैं।